नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एमएड एमडीयू यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेपर थ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग के। पेपर थ्री में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में अदर सब्जेक्ट्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स से। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे जहाँ पे भी आप ज़्यादा एक्टिव हो वहाँ पे हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी के आंसर्स के ई नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अलग अलग लिंक्स गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है और हिंदी मीडियम का अलग है। तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है आप वो पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ्स को। जैसे ही देखिए आपको करना क्या है, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे इस तरीके का एक पोर्टल आपके सामने ओपन होता है। इस पोर्टल पे आप क्लिक जैसे ही करते हो यहाँ पे देखिए आपको चेक कर लो इंग्लिश मीडियम और यही सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। वीडियो के क्वेश्चंस और जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं थोड़ा बहुत आप मैच कर लो एक बार। फिर बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको एंड देन आपके पास देखिए यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालिएगा क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पीडीएफ वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री में यहाँ पे इस तरीके से आपको पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं। सभी मोड्स अवेलेबल हैं, यूपीआई, फ़ोन पे, भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम, सब है। आप किसी भी मोड से पे कर सकते हो। अगर आप कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो सभी ऑप्शंस आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ पर्सनल गाइडेंस एट एकेडमिक लेवल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर टू इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट डू यू मीन बाय इक्लेक्टिक काउंसलिंग, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राइब द स्किल्स ऑफ काउंसलिंग इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों ये लास्ट 5 to 6 इयर्स के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पिछले 5 से 6 साल में यही क्वेश्चंस आपके आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। टॉपिक्स वही रहते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर्सनालिटी पे है। व्हाट इज पर्सनालिटी, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिकेंसी, डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ डेलिकेंसी। क्वेश्चन नंबर एट थ्रो लाइट ऑन द फंक्शनल डिसेबिलिटीज एंड द रोल ऑफ टीचर इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट पे लिखा है, देन लीस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे सीक्वेंस में एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चैपमैन मॉडल ऑफ गाइडेंस के या फिर मैथ्यूसन मॉडल, शॉलन मॉडल या हॉइट्स मॉडल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही मॉडल पे क्वेश्चन आया है, वो है चैपमैन मॉडल पे एमएड के अंदर। बाकी मॉडल्स पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हो, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना, चैपमैन मॉडल पे इंफोसाइज करना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके साथ जो अगर चॉइस में क्वेश्चन आता है इंस्टेड आप वो कर लेना, वो आपके लिए इजी भी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस कम्युनिटी एजेंसीज
इन दी स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज करियर गाइडेंस? डिस्कस नीड अप्रोचेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग करियर गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस मीनिंग नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स देखने को मिला है, तो इस साल भी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है। मतलब ये लगा लो जो चीज़ ट्रेंडिंग में है, जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 13 पे। What do you mean by guidance? Explain its principles and functions in detail. यह आपसे पूछ लेगा types of guidance बताइए। Question number 14, which are the contemporary model of guidance? Explain in detail. 15, how counseling is different from guidance? Explain the techniques and procedure of counseling in detail. Question number 16, explain types of tools can be helpful in guidance? Explain in detail. Question number 17, what do you mean by mentally and physically handicapped children? Which types of guidance services can be provided to them? Question number 18, which factors affect mental health of a person at workplace? How guidance is helpful in promoting mental health at workplace? Explain in detail. Ek question mental health pe bhi bilkul fixed rehta hai. Next is question number 19, explain directive and non-directive approach of counseling. देन क्वेश्चन नंबर 20 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये 8 मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकता है, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन 8-8 मार्क्स में डिवाइड होगा। तो जिन क्वेश्चन के यहाँ पे 8 मार्क्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो है मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, या गिफ्टेड चिल्ड्रेन इंटरव्यू एटीट्यूड स्केल, इन पे 8 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब और भी क्वेश्चंस जो 4 या 8 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो हमने करे उनके 4 मार्क्स में आने के चांसेस कम है, वो 8 में ही जनरली आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे ये 4 में भी आ सकते हैं और हो सकता है इनमें से कोई एक आधा आपका 8 मार्क्स में भी पूछ ले, अदरवाइज 4 में ही आपको देखने को मिलेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज, देन क्वेश्चन आर क्रिएटिव चिल्ड्रेन, स्लो लर्नर्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, ग्रुप गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो ये यहाँ से आपके ये 21 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। विद आंसर्स PDF लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और सिर्फ क्वेश्चन का एक्सेस आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप एक्टिव हो उस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो में यही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने थे। वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि जितने भी इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का, धन्यवाद, जय हिंद।